इस बीच दिल्ली में हत्या के आरोपियों का विरोध करने के लिए जमा हुई भीड़ बेकाबू हो गई और उनमें कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिनसे निपटने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक महिला की मौत के मर्डर के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और वो हत्यारे को फांसी की सजा सुनाए जाने के लिए प्रदर्शन करने लगे। हाथों में तख्तियां लिए लोग नारेबाजी करते हुए देखे गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लेकिन पुलिस के रोकते ही भीड़ ने आपा खो दिया और उनमें कुछ लोग पुलिस वालों से हाथापाई पर उतर आए। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने उन्हें खदेड़ा, जिसके बाद उनमें कुछ लोग आग बबूला हो गए और पुलिस पर पथराव करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए उन पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। ऐसा होते ही उन लोगों ने पथराव तेज कर दिया, जिससे वहां खड़ी पुलिस की गाड़ियां समेत कई कारों के शीशे चकनाचूर हो गए। हालांकि वीडियो पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अब इन तमाम जानकारियों और इनके पीछे के लोगों को तलाशा जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है।